बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी परेशानियाँ दूर करे और आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की तौफीक अता करें। आमीन। वालेकुम अस्सलाम आलिया मछतरो कंदूरी की जुन लालिमियन हनुनो इस पहाड़ प्रोग्राम हो मविश्कियारी और मशेली को होस्टो विश्कियारी पूरा केटू टीवी ओ टीमो विश्कियारी हर्ष की हरदियो कुलुमियारी पिसते खुशान ग्योरेचन और उम्मीद कोसियन की इस जम भूमि शेली जिंदगी तेरे मियन सेहतमंद सुमी व हमेशा तंदुरुस्त हल बोल। आमीन। जुबीना, कल एक बहुत अहम दिन था, एक खूबसूरत सा दिन था। उसके अलावा आलिया, मेरे ख्याल में तुम्हारी बर्थडे भी थी, तो इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छा दिन था। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से तुमने बर्थडे मनाई होगी। और बैठ के बात करते हैं इसके आगे। अब हमारे नाजरीन को भी बता दो कैसी बर्थडे। इसके अलावा आलिया, तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे के दिन क्या हुआ था? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी पैदा हुए थे। बिल्कुल। उसके अलावा क्रिसमस भी था, तो सबसे पहले हमारी जो क्रिसमस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको हम सबकी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना नया साल जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और दुआ है हमारी कि आने वाले जितने भी साल है आप खुश रहे, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे, सेहतमंद रहे। तो आलिया, कैसा था दिन तुम्हारी बर्थडे? यार क्या बताऊं, थैंक यू। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आएंगी मेरी तरफ एंड हम कुछ करेंगे अच्छा सा, लेकिन आप बिजी थी ना बर्थडे के दिन। बंदा पता है बिजी होता है, अपने जो दोस्तों को टाइम देता है ये वो। मैंने सोचा कि कल तो हमारा शो है एक दिन बाद, तो आपकी आपके जो है वो शो के बाद बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो एंड केक भी नहीं खिलाया? नहीं, केक का प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कि वो केक खिलाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं केक वो खिलाएंगे। और इस दिन बड़े अच्छे अच्छे लोगों की यू नो बर्थडे से देखे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमारे लिए इतना काम किया, आजादी के साथ अपने मुल्क बिल्कुल आज़ाद हम रह रहे हैं, तो आज उन्हीं की वजह से, उनकी काविशों की वजह से आज हम आज़ाद हैं, अपने मुल्क में अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने चाहे वो किसी भी तरह के हमारे प्रैक्टिसेस हों, चाहे रिलीजियस हों, जो भी हों, लाइक उनके जो खिदमात हैं हमारे मुल्क के लिए, तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और आलिया, पूछना तो नहीं बनता, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, बताओ कितने साल की हुई? वैसे लड़कियों से नहीं पूछना यार, मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हो? बता दो, कुछ नहीं होता यार, आवाज नहीं आ रही। हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं, ये कान बंद हो गया हमारे। हम जो है वो अभी अभी तुम्हारी बर्थडे यार, वो तो देख के आपको लग रहा होगा मैं बहुत छोटी हूँ यार। हाँ माशाल्लाह, छोटी, बिल्कुल छोटी लग रही हो। और यार जो है हमेशा खुश रहो, अपनी बर्थडे हमेशा की तरह आने वाले सालों में जो है वो हमेशा मनाते रहो। आलिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी बर्थडे बिल्कुल न्यू ईयर के कुछ 4-5 दिन पहले है, तो अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो न्यू ईयर के लिए लोग पता नहीं क्या क्या रेजोल्यूशंस कर रहे होंगे, किसी के कुछ है, तुमने क्या सोचा है? क्योंकि तुम्हारी तो बर्थडे भी थी, तो यार अभी न्यू ईयर का कुछ नया सोचा नहीं है। जो लास्ट टाइम मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था वो ये था कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करूंगी, और मैंने पूरा साल ड्रिंक्स, हाँ मैंने उस दिन तुम पी रही थी, कहाँ पी रही थी, कैफे में नहीं मैंने बंद की हुई है। तो ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन था कि मैं ये करूं, और मैं उसके ऊपर मतलब कर रही हूँ कोशिश, मतलब मैंने किया बहुत ज्यादा। तो इसी तरह हर किसी के भी अपने रिवोल्यूशन होते हैं कि कोई ये मतलब आई एम गोना अचीव दिस और दैट, हर किसी का अपना एक होता है। आपने क्या सोचा हुआ फिर? यार मैंने इतने ज्यादा कुछ सोचा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन उनमें से कुछ चीजें थी जो मैंने की, कुछ थी अच्छा, जो मैं ना कर पाई। जुबीना, एक कॉलर को अपने साथ ऐड करते हैं, हम हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद फिर अपनी बातों का, हमारी बातें तो वैसे खत्म नहीं होती। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम। जम के नानी शुक्र की चरवा सुमी पिसा दुरोवश की तजा किशनिया।
جامله ما بوش بله نافیسا پرگام با قورس را لازم با شیلی پرگام کمیان با شکریه جام تیغا خونزانان جام اسمیا جام شکر کش غلو دو سنانی تو کش غلو دو سن کورار کول کوری سوشتر رو تنانو که چند روشتی و مدور که گناشی رو حال بمان اسلام آباد حال بمان اسلام آباد ما بوش بلیان अच्छा 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 प्रोग्राम लाल में ना पसंद किचा सारी रन है प्रोग्राम अब बोगा और उसे ना पिसा प्रोग्राम कार को लाल में हम क्या मार गए चांद रोशनी अंकुरा कोर बाशोरु इलिया कर माते हैं हाँ बस हानी से इंशाल्लाह जा कुछ साथे कोर बाशोरु इस पर कोशिश को सिप साथे जम जम कोर बाशोनु ट्रके को और बहुत शुक्रिया इस पर कॉल को कुबच और कहा कि इस पर लाली में सब बहुत ज्यादा शुक्रिया हानी से इनशाला साथ इस बशोन डेडिकेट करो सी इस पर जाम बहुत शुक्रिया इस पर कॉल को कुबच है कितना अच्छा लगता है जब हमें कॉल करते हैं और इतने प्यारे अल्फाज से वो हमें मुखातिब कर रहे थे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी नाज़रीन आलिया नाज़रीन को बताते हैं कि आप लोग भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर सकते हैं कुछ भी आप कहना चाहते हैं किन को मेहमान बुलाने इस हवाले से आप लाइव कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमारे पेजेस को फॉलो करें और सोशल मीडिया पे बहुत सारी हमारे बारे में बातें भी होती हैं हम आपके कमेंट्स जाके देखते हैं और फिर हम कुछ सेड भी होते हैं खुश भी होते हैं हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली सारी चीजों को लेके चले क्योंकि क्रिटिसिज्म तो होता है वो चलता है ना सोशल मीडिया है कोई उसको पॉजिटिवली यूज करे कोई नेगेटिवली लेकिन आलिया इस स्टेज को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि हम जो है वो अपने नाजरीन के लिए कुछ नया करके लेके आए होगा तो सब कुछ चित्राल के बारे में सब कुछ हमारी सकाफत के बारे में होगा लेकिन जो इसमें कुछ हम ट्विस्ट डालने की कोशिश अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ जुबीना उनसे बात करते हैं और फिर बात कर रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से बात कर रही है मैं लाहौर से बात कर रही हूँ आंटी आप एक्टर हैं क्या क्या कहा आपने आप एक्टर हैं एक्टर जी जी बिल्कुल हम एक्टर से कैसे बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है कैसी हैं बहुत शुक्रिया क्या क्या कहना चाहेंगी और बताएं हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप लाहौर से देख रही हैं देख रही हूँ बताएं और क्या बात करना चाह रही हैं बच्चे आप लोग बहुत प्यारी हैं आप भी बहुत प्यारी आपकी आवाज सी लग रही है कि आप बहुत ज्यादा प्यारी हो क्यूट बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हमें कॉल करते रहिएगा हमें बताते रहिएगा छोटी सी बच्ची की कॉल आ रही है तुम्हारी तारीफ करी थी कि मेरी करी थी दोनों की तारीफ करी सच में बिल्कुल वैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है तो हो ये तो प्यारे लग ज्यादा हो गया जी हाँ। बहुत शुक्रिया इसी तरह हमें कॉल्स करते रहे और हमारे साथ बातें करते रहे आलिया क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे जुबीना के क्रिटिसिज्म तो होता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है लाइक अगर आपको किसी ऐसी चीज के बारे में लोग बताएं कि इस एस्पेक्ट से आपने चीजों को इम्प्रूव करना है इस तरह से किसी चीजों को आगे लेके जाना है बिल्कुल वही मतलब उससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ यूर सेल्फ और जो भी काम करें उसका एक आप बेटर वर्जन लोगों के सामने लेके आ सकते हैं तो इसी तरह हमें कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा प्रोग्राम लेके आलिया हमें कुछ मैसेजेस भी आते आ रहे थे मैंने कुछ दिखाए भी थे लोग कहते कहना चाह रहे हैं कि हम आपके प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं हमें भी बुलाएं तो इस्लामाबाद में जो लोग अवेलेबल हैं जो चतराल से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम बिल्कुल हम तहे दिल से आपको खुश आमदीद कहते हैं लेकिन चतराल से बाहर कुछ लेकिन इस्लामाबाद से बाहर चतराल से मैसेजेस आ रहे थे तो उनके लिए थोड़ा सा हमारे मुश्किल है उनको बुलाना हमारे साथ एक और कॉलर है जुबीना उनसे बात करते हैं फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं चतराल बुनी से जिनालकोट से बात कर रहा हूँ अच्छा जिनालकोट से बात कर रहे हैं जिनालकोट का आप काइंडली बताएं कि मौसम कैसा चल रहा है वहाँ पे मौसम कैसा है सुना है बर्फबारी हो रही है नहीं नहीं अच्छा अच्छा
बिल्कुल मगम पते जरूरत है सेती है छतरो के की अच्छे में खवा जबानो से दा की नशर अरता नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल जारो भी खुश कोई तर भी खुश कोई और डर भी खुश कोई सही बिकॉज पर प्रोग्राम लाली में नाया बरा क्या अगर एक मशक्किस की क्या किस्म प्रोग्राम और साथ किचा सारी रन तो आंसे जो नलको चार लाली सान बिकॉज इस पर दिबो जाम सरन की इस पर प्रोग्राम लाली में और इस पर कोशिश कोसी की है प्रोग्राम जरिया जम जम क्षेत्रारो क्या की इशनारी शेनी अतम पृष्ठांगी को इस पर क्षेत्रारो शैली सकाफत क्या क्षा तो रोहन पृष्ठांगी को इस पर कोशिश कोसी है बरा क्या लू दिक मशक्किस है बड़ा हर्ष की माशाल्लाह हर्ष की छतर पाया खुश खुशमती है की छतर प्रोग्राम हम से टीवी एम एस के प्रेमी कदा पुष्टि छतर के नामो निशान को खबर अगर नगर को सलाप में ना क्योंकि हाथे तक छतर पर टीवी स्क्रीन पर क्या हो शनि अंदर माशाल्लाह पर शैली जुर्गिनी जम जुर्गिनी तान्यता जुर्गिनी आशा दरजो खंडानी जुर्गिनी देखो है इसमें जो आगाज अरेता नहीं बिल्कुल और क्षेत्र तो कंदूरी की क्या जगह लेता पर ज्ञानी अरो बड़ो को नपात अरो अरो रिचो अरो पूरा पात अरो चंद्रो अरा पात क्या कि मसला मसाइल श्रेणी हाथता न तो सिकुलन भी कालीचन भी कतन अरा के ऐसा नशर के अरेता नहीं सब मेहरबानी बहुत शुक्रिया बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस पर कोशिश कोसी की है प्रोग्राम जरिया इस पर है मसला मसाइल दी रोहन पृष्ठांगी को कोशिश और कोसी और पिसा दी हमुश्तान है किस्म इस पर सुम लुदियो और इस पर लुदियो के प्रोग्राम और किचा कोरिक जम को बहुत सी मजीद बहुत शुक्रिया कॉल कर को बचे इस पर जम सरी थी इस सुम लो चुकी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ जो हमारे साथ कॉलर थे वो बेसिकली यही कह रहे थे कि मतलब चित्राल के वो बहुत खुश हैं चित्राल के लोग के मतलब पहली दफा कोई पहले जमानों में ऐसा होता था कि चित्राल का जिक्र टीवी में सिर्फ उस टाइम आता था जब वहां पे कोई सैलाब आए या कोई कुदरती आफात हो तो वो उसी टाइम पे चित्राल को वो मिलती थी लेकिन आजकल शुक्र है टीवी चैनल्स का और हम तो केटू इंतजामे के बहुत मशहूर हैं कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसके थ्रू हम अपने चित्राल के हमने पहले भी बात की थी अपनी सकाफत के बारे में और सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो अच्छा लगता है लोगों को जब हम इस तरह अप्रिशिएट करते हैं या बताते हैं कि अच्छा लग रहा है ऐसे ही आलिया चित्राल की बात करते हैं तो सकाफत हमारा जो रिच कल्चर है उसको हम कैसे भूल सकते हैं चित्राल में कल्चर की अगर बात करते तो सबसे ज्यादा रिच हमारा कल्चर है बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो आलिया लोग कहते हैं कि चित्राल के लोग बहुत मेहमान नवाज है बिल्कुल सही बात है ये और भी बहुत सारी चीजें हैं चित्राल में कॉलर है शायद हमारे पास एक और अच्छा हमारे पास एक और कॉलर है जी उनसे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी कौन कहाँ से बात कर रहे अच्छा अच्छा जी सर कैसे हैं आप ठीक ठाक बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से और क्या कहना पसंद करेंगे आवाज का मसला है आपके सिग्नल्स का थोड़ा सा जोर से बात करेंगे फुक दो लुक की प्राव ताकि इस पर नाजरीन आवाज सुनिए इस पर तहवा सही को जाम दे मरी जाम जाम हम आप जो प्रोग्राम है और केटी चेने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमारे चित्राल के मुताबिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमें सराह रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी मेरे ख्याल में प्रोग्राम आपके तरफ से करते रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा आप भी प्रोग्राम देखते रहे बहुत शुक्रिया कॉल्स करने के लिए आलिया चित्राल से हमें काफी लोग कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल यार जब हम जैसे आपने बताया सकाफत की बात करते हैं तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हर इंडिविजुअल एक अपने हिसाब से कोशिश कर रहा होता है कि हमारी जो नई आने वाली नस्ल है वो हमारे सकाफत को देखे क्योंकि टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं और मतलब इस हवाले से हमारे पास भी एक पैकेज है
पैकेज की तरफ जाते हैं। पैकेज के जरिए पता चलेगा कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान है। बिल्कुल, और आप लोग पैकेज देखें, उसके बाद आप गेस कीजिएगा कि मेहमान कौन मौजूद है। नाजरीन, चित्राल के वैलीज की अगर हम बात करते तो हमारे पास बहुत सारे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वादी बहुत सारे, उनमें हर वादी की आलिया अपनी खसूसियत, बिल्कुल हर वाली की वैली की एक अपनी हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री के पीछे एक अलग कहानी होती है, चाहे हम वो कल्चर के हवाले से बात करें, चाहे हम म्यूजिक के हवाले से बात करें, या दूसरी किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो हर वैली की अपनी खसूसियात होती है। हर वैली यूनिक होता है, वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं, और लोगों की बात करें तो एजुकेशन के हवाले से और हर चीज के हवाले से बहुत सारे हर गांव के लोग लाइक डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, और आलिया हरचिन लसपुर वैली का तो सुना होगा, चित्राल का सबसे लास्ट वैली है और सबसे खूबसूरत वैली भी माना जाता है। बिल्कुल, और सबसे रिच वैली भी है कल्चर के हवाले से। अगर अगर हम बात करें आलिया तारीख के हिसाब से अगर हम बात करें तो हरचिन वैली लसपुर में जो है वो ये हिस्ट्री के हवाले से इतनी सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, अभी भी होते आ रही हैं। तो आलिया इसी हवाले से आज हमारे साथ एक निहायत ही काबिल कदर मोजस मेहमान चित्राल से मौजूद है, इंट्रोड्यूस करवाए ना हमारे। बिल्कुल, जैसा कि हमारे नाज़रीन ने देखा कि जो हेरिटेज म्यूजियम है, तो ये जो हमारे साथ आज मेहमान है ये हेरिटेज म्यूजियम के ऑनर भी हैं और उसके एज ए कोऑर्डिनेटर के हिसाब से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उसके अलावा जो है बाकी म्यूजियम के बारे में हम खुद उनसे जानेंगे, और इसके अलावा जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एजुकेशन में अगर उनकी बात करूँ या उनकी प्रोफेशन की बात करूँ तो मतलब वो एक एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट पेशावर में होते हैं और अपने खिदमत वहाँ भी अंजाम दे रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। शाहिदुल्ला खान यफ्ताली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से, वकीलों के पास टाइम नहीं होता, और उस मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तो इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, और ख़ास करके स्पेशल मैं केटू का शुक्रगुजार हूँ और पूरे टीम का, आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाए और इस प्रोग्राम में बैठने का बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर, चूंकि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से वकील हैं, लेकिन हम उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे तो वो जो है हेरिटेज जो म्यूजियम आप लोगों ने लाइक पाकिस्तान का वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द पहला प्राइवेट म्यूजियम है वो, जिसको एक बंदे ने अपने उसके बलबूते पे बनाया है, तो इसके हवाले से हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को भी इस हवाले से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो म्यूजियम जो है जो आपके वालिद साहब ने ये बनाया है, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी और इसको बनाने में कितना टाइम लगा? शुक्रिया हालिया, असल में ये है कि हम पाकिस्तान का प्राइवेट म्यूजियम नहीं कह सकते, इसका इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का हम कह सकते हैं कि केपीके का ये वाहिद प्राइवेट म्यूजियम है, और उसमें यह है कि म्यूजियम को जो बनाने का मकसद था, जो ओनर है इसका अमीरुल्लाह खान यफ्ताली, मेरे वालिद साहब जो है, ये बचपन ही से इन चीज़ों का बहुत शौक़ रखता था, जो भी आसार कदीमा के जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के साथ उसका दिलचस्पी लगाव बहुत ज़्यादा था। अच्छा। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके पास इकट्ठे हो गए, और उसमें यह है कि कुछ उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और उसके अलावा और भी जो लोग हैं उनके करीबी साथी, वो उनको गिफ्ट करते थे, क्योंकि उसका बचपन से इन चीज़ों के साथ काफ़ी लगाव था, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये इसने इसको एक म्यूज़ियम के शिकल वो तश्कील दे दी। तो इसमें ये नहीं कि ये कोई मतलब एक साल का या दस साल का कोई, ये दौरानिया जो है ये 30-35 साल तक इसी हिसाब ये जारी रहा थे, 30-35 साल तक, और उसके बाद 30-35 साल के बाद इस तरह हुआ कि फिर हमारे वहाँ पे जो एक RSP जो है तो वो सियाहत के प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे, और कोई बिजली घर वगैरह जो उधर बना रहे थे लोगों के उसके लिए फैसिलिटेशन के लिए, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बंदे ने एक ज़बरदस्त कलेक्शन इकट्ठे की हुई है, क्या ये नहीं हो सकता कि हम इसको बाकायदा पब्लिक के लिए वो कर ले। अच्छा, तो उन्होंने स्विस एम्बेसी के ताउन से बाकायदा तौर पर एक वफ्त आया, और वफ्त आके जो ओनर है हेरिटेज म्यूजियम के उसके साथ रब्ता किया कि आप अपने चीज़ें जो है वो करें, कमर्शलाइज हम कर रहे हैं तो उसको मार्केट पे ले आना चाहते हैं। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है आप लोग आ जाए, जगह सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। तो एक NGO के ताउन से उन्होंने बाकायदा इस पर
काम शुरू किया। ये 2018 की बात है। अच्छा अच्छा। फिर 2018 को ये मुकम्मल हो गया तो ये स्विस एम्बेसडर आए थे, उसमें ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर आए थे, इन लोगों ने मिल के बाकायदा उसकी इनॉग्रेशन 2018 में हुई। हमारे साथ एक और कॉलर है सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उससे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तबस्सुम चरण से बात कर रही हूँ। चरण, अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? मैं बिल्कुल, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं लाइव देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, कुछ बताना पसंद करेंगे? और आपके गांव में फिलहाल क्या मौसम चल रहा है, क्या कर रही हैं? सर्दी का मौसम है ना। अच्छा अच्छा, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमारी तारीफ करेंगे। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मजीद? मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ कर आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम देखने के लिए और हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें सराहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह कॉल करते रहे हमें, बहुत शुक्रिया जी सर। फिर इसके बाद ये हुआ कि बाकायदा इसकी इनॉग्रेशन हो गई, उसके बाद लोगों का उधर आना जाना, इस वजह इसका फायदा हमारा जो वैली है, इलासपुर वैली। अच्छा, बिल्कुल, लासपुर वैली के ऊपर इसका असर आने लगा क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोगों का मादुरफ्त उधर आना शुरू हो गया। इस वजह से जो हमारा चित्राल या खो सकाफत का जो कल्चर है, उस कल्चर को जो उस पर उसको प्रिजर्व करने की जो कोशिश की है ओनर हेरिटेज म्यूजियम ने, तो ऐसे अभी उसके जो नतायज जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ये एक ज़बरदस्त इकदाम था, और जो उसकी जो 30-40 साल की जो स्ट्रगल है, तो 40 साल की स्ट्रगल से ये म्यूजियम बना हुआ। बिल्कुल सर, म्यूजियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम हरचीन की बात करते हैं, चूंकि आपका ताल्लुक भी वहीं से है और वो रिच भी है, सकाफत हमारे कल्चर के हवाले से भी बहुत रिच है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो म्यूजियम तो अभी लोगों के उसका मतलब फोकस बना, उसके अलावा भी हमने सुना है कि हरचीन वैली जो है वो बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, पुरानी कहानियां सुनी है, तो उनके बारे में आप हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी बताएं। असल ये कि प्रोग्राम आज उसके कल्चर के हवाले से है, थोड़ा बैकग्राउंड पे हम चलते हैं मेरे ख्याल से। तो अब ये है कि लासपुर वैली जो है, हम इसको सिर्फ हरचीन तक महदूद नहीं रखेंगे, लासपुर वैली जो है ये कल्चर के हवाले से बिल्कुल इंतहाई रिच वैली है। ये चित्राल डिस्ट्रिक्ट जो है उससे 120 किलोमीटर के फासिले पर वाक़ है। जब आप चित्राल सिटी से 120 किलोमीटर के बाद आप लासपुर वैली आ जाएंगे, तो उनका जो कल्चर है वो ट्रेडिशन जो उसका जो म्यूज़िक के हवाले से दूसरे और भी सकाफती जो है वो एक अलग जगह में आपको ले जाएंगे। वो इस तरह है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कल्चर के, वो चार उसके लोकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लासपुर वैली के। अच्छा। और इसके साथ हमारे जो डांस वो है वैली का, वो मेरे ख्याल से 82 टाइप के वो डांस उधर वो होते हैं लासपुर वैली का। अच्छा। और उसके साथ साथ जो है उनके जो डांस के अलावा जो है उसके जो साज वगैरह जो होते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये चार होते हैं उसके साथ। ये इसका जो हिस्ट्री जो है ख़ास करके उसके हवाले से, हम फिलहाल म्यूजियम को छोड़ते हैं, हम इसके काफ़ी बैक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो लोग का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे ब्रेक छोटे जा रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद फिर आएंगे तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ देखते रहिए, छोटे से ब्रेक के पास वापस आते हैं। तारीख की बात कर रहे थे लासपुर वैली। बिल्कुल, मैं तारीख अभी हम काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 300 साल गालिबा 300 साल होंगे। बिल्कुल। तो ये दोष नंदोष एक तारीख में एक हिस्ट्री, हमने कहानियाँ कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, ये दोष नंदोष ये अपने आप में एक यूनिक इसलिए है क्योंकि एक माँ जो है वो एक बेटी की लाश जो है उसको करके
स्टोर में अलग जगह होता है उसमें रख के दूसरी बेटी को रुख्सत करती हैं। उसकी माँ अपनी जो कैफियत है उसकी, वो अपनी कैफियत जो है इसी गाने में वो बयान करती है, जो उसका नफा जिसे हम कहते हैं या वो कहते हैं हम उसको, इसमें जो उसकी कैफियत है। ये कहानी इसका इस तरह था कि ये कोई 300 साल पुराने वो है, तो हमारे जो नज़दीक शंदूर टॉप के बाद जो एरिया आता है ना गज़र, गज़र वैली से एक नौजवान का शादी जो है वो नंदोशी के साथ हुई थी। अच्छा, तो ये मामला सब कुछ क्लियर हो गए थे, वहाँ से लोग भी आए थे। आने के बाद जब अगले सुबह उसकी रुख्सती थी तो उसी रात को अचानक नंदोशी जो है वो, क्योंकि ये पुराने 300 साल पुराने, हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ होगा, हो सकता है कि कोई और चीज खाने की वजह से, लेकिन इसका एग्जैक्ट हम वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अचानक मर गई। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि उसकी माँ ने अपने शौहर को बुलाया, उसके साथ दोनों ने आपस में वो करके सुलह मशवरा करके उसकी लाश जो है उसको अलग एक स्टोर पे रख के उन्होंने कहा कि हम ये गम की जो कैफियत है उसको वो करते। उसकी जो छोटी बहन थी दोषी, तो उसको उसकी जगह पे रुख्सत दी गई। तो उसके बाद जब ये लोग आगे चले गए उसको लेके, जब ये शंदूर दरे शंदूर क्रॉस कर रहे थे तो उधर थोड़ा स्टे करते थे। उस जमाने में पैदल का होता था, कोई गाड़ी व्हीकल का सिस्टम नहीं होता था घोड़ों के ऊपर वो, तो उन्होंने देखा कि ये तो छोटी वो है, छोटी बहन है। उसने कहा कि वजह क्या है, अपने बहू से पूछा कि उसकी वजह क्या है। वो बड़ी बहन को मैंने वो किया था अपने बेटे के लिए। उसने कहा कि ये सानिया हुआ है, तो इस वजह से मेरी बहन जो है वो इस दुनिया से पहुंच गई। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं फिर भी तस्दीक करके आता हूँ, फिर वापस वहाँ से मुड़ लिया। तो वापस आके उस बंदे ने देखा कि नहीं, बिल्कुल लोग जो है उसके लिए कब्र के में खुदाई हो रही थी और सब कुछ सिस्टम जो है कफन दफन जो रस्मात है वो हो रहे थे। तो उसने कहा कि भाई बिल्कुल ये कहानी जो है ये जो बता रही थी वो ठीक नहीं। तो उसी जो कैफियत को, उस माँ की जो कैफियत, माँ की जो कैफियत थी, उस जो कैफियत को अपने अल्फाज में उसने जो बयान किए, तो हम उसको दोषी नंदोशी उसमें कहानी सुनी जरूर। ये बहुत पुरानी, ये जो है ये लासपुर ब्रुक एक गांव है, और ब्रुक की ये एक खातून जो है इसने ये कहानी वो की थी। अच्छा, लासपुर अच्छा, वैली के जो ब्रुक है उसका जो सेंटर में जो एक खूबसूरत सा गांव आता बिल्कुल है। तो ये असल में उसके बाद सेकंड जो हमारा वो आ जाता है, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो उसका लासपुर वैली का सकाफत के साथ या उसके साथ इतना कल्चर के साथ, तो ये 1775 से लेके 1830 तक दुरन खातून जो है ये इसका एक कहानी है। ये जो आप लोगों ने भी कहीं सुनी होगी, एक मशहूर गाना है, हरचिन जिनाली शिवूर तन्नन जान नन, ये उस खातून ने गाई थी। अच्छा, उस जमाने में ये 1785 से लेके 1830 के इस दौरान इसकी वो कहानी है अपने बेटे के लिए। हाँ बिल्कुल, ये कहानी इस तरह है कि इसका जो बेटा था, अपना सगा बेटा नहीं था, रिजाइयत में जो रिजाइत जो वो था बेटा, ये यसन से उसका ताल्लुक था, हमीद अमान मेहतर वो था। तो ये जब नौजवान हो गया, ये उस पहले हरचीन में शाहवली जो है, शाहवली मोहम्मद जो बड़े कबीला है हरचीन का, बहराम कबीला, उस कबीले के ये काफ़ी बहादुर जंगजू भी रह चुके हैं। तो उसके घर में यसिन के जो मेहतर ने अपने बेटे को रिजाइयत में दे दिया, हमीद अमान को। अच्छा, तो शाहवली मोहम्मद की जो बीवी है उसने अपने रिजाई जो बेटा ये दुरन खातून उसको उसका नाम था, तो उसने उसकी देखभाल की। जब ये जवानी में उसमें गया, जब उसको वापस उसके माँ बाप को हवाला किया, तो उधर कुछ बीमारी की वजह से वो हमीद अमान जो है वो मर गई। तो ये जो गाना है उसी की उसमें माँ ने अपने बेटे को जो रिजाई उसकी जो वो है रिजाइत में जो बेटा है उसके लिए ये गाना वो लिखा है। अच्छा, इसका भी काफ़ी कोई 100 साल 150 साल पुराना इसका पुरानी हिस्ट्री है। बिल्कुल, तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लासपुर वैली का हिस्ट्री जो है ये काफ़ी पुराना और काफ़ी रिच, वो इन चीज़ों से हम लगा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिवेलप होता गया वक्त के साथ, तो फिर ये अभी म्यूज़ियम भी आ गया साथ में, तो ये अभी
पूरे चित्राल में जितने भी हमारे 34 वेलीज है, 34 वेलीज में ये रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा वो है और आबादी इतना इसका ज़्यादा नहीं है, कम, क्योंकि अभी कोई 24,000 के लगभग पॉपुलेशन है इसकी टोटल, तो ये 8 छोटे बड़े देहात पे मुश्तमिल है इलासपुर वेली। अच्छा। तो ये इसका हिस्ट्री जो है बहुत पुराना है इन हवाले से, दोष नंदोश और ये दुरंग खातून जो है इसके हवाले से इसका हिस्ट्री जो है ये बहुत पुराना वो कह सकते हैं। जी सर, यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जो म्यूजियम आपने बनाया इसको आपने अभी तक कमर्शियल किया है, कितने लोगों ने तकरीबन शहरों से जाके विजिट किया है अभी तक, तकरीबन अगर हम इस्लामाबाद कराची अंदाजन हाँ, अगर बात करें तो यहाँ से कितने लोगों ने अभी तक विजिट किया है? ये हेरिटेज म्यूजियम में जो लोग बाहर से आ रहे हैं खास करके पाकिस्तान में हमारे नेशनल जो सियाहत जो है वो ज़्यादा इसका टूर वो करते हैं, नेशनल जो खास करके पाकिस्तान के हो सकता है वो, क्योंकि उसमें बलूचिस्तान के लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, इसमें लाहौर से भी और कराची से भी लोग आ रहे हैं, और फॉरेन इतना तादाद नहीं है क्योंकि हमारा जो रेशो है खास करके दहशतगर्दी की वजह से ये फॉरेन का आजकल इतना ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें और खास करके इसमें जो रास्ते हैं हमारे बहुत खराब है, और गिलगित बल्तिस्तान में इस साल मेरे ख्याल से कोई 40,000 के करीब फॉरेनर आए थे, उसके अगर उसके मुकाबले में हम चित्राल को उठा के देखें तो चित्राल में कोई मेरे ख्याल से 5,000 के करीब वो आए थे, तो ये बिल्कुल कम तादाद थे, लेकिन खास यह हो सकता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की जो हालात है इस वजह से, और चित्राल की जो रोड्स जो है, आप एक सयाह आता है उधर इतना खर्चा करके, उधर रोड का हालात इतना खराब है और होटल का सिस्टम इतना खास नहीं है, तो इस वजह से उसको बहुत ज्यादा दुश्वारियां पेश आते हैं, इस वजह से लोग उधर आने का इतना ज्यादा वो नहीं रखते, दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उनका खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और जो खर्चा वो करके आते हैं सहूलियात की कमी, हमारे पास रिसोर्सेज की वहाँ पे बिल्कुल सहूलियात की कमी है, सहूलियात में सबसे बेसिक चीज आपका रास्ता है, अब आने की रिसाई अगर आसान हो तो कोई भी आ सकता है, लेकिन रिसाई मुश्किल हो आ नहीं सकते तो रास्ते का हालात आपको पता है, ना यरखून वेली जा सकते हैं, ना लासपुर वेली जा सकते हैं, ना दूसरे तौर को मोड़ को वेली जा सकते हैं, तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट सही से नजर नहीं आता, जब तक गवर्नमेंट इसमें संजीदा ना हो तो फिर ये मुश्किल होता है कि आप इसमें फिर वो कर सके गवर्नमेंट कहता है, क्योंकि ये रास्ते जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं डोमेन में, जब तक फेडरल गवर्नमेंट अगर संजीदा ना हो तो फिर ये मुश्किल होता है, इस वजह से सियाहत के जो उसको प्रमोट करना सियाहत को इसके लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक डिस्ट्रिक्ट है वो चित्राल है, अपर लोअर दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की जो सियाहत की जो डिपार्टमेंट है वो आगे चल सकती है, आगे वो कर सकती है, रन कर सकती है, अगर वो इन उनके लिए कोई सहूलियात नहीं दे सकेगी, रास्ते अगर सही नहीं होंगे, होटलिंग का सिस्टम सही नहीं होगा, तो लाजमी बात है इसके नतीजे भी फिर नेगेटिव आएंगे, तो यही नेगेटिव ये है कि लोग कम आ रहे, गिलगित में अभी इस साल 40,000 फॉरनर आए हैं, इसके मुकाबले में चित्राल में 5,000 है, हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दारुगंजी से बात कर रही हूँ, आप कैसे हो? और वो आपके साथ बैठी मैडम कैसी है? बिल्कुल ठीक, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आवाज सही से नहीं आ रही। सर को भी मेरा सलाम दे दी। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है हेरिटेज म्यूजियम उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे और सर से कुछ पूछना भी चाहेंगे तो काइंडली। हेलो, आवाज का इशू है, आवाज का शायद मसला है। चलो शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम सर से बात कर रहे थे हेरिटेज म्यूजियम के हवाले से, तो सर यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि इस हेरिटेज जो म्यूजियम है इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं या कितने शोबे हैं और कितनी अशिया हम कह सकते हैं कि कितनी चीजें हमारी कल्चर की रखी हुई है, मतलब अंदाजतन आप हमें बता सकते हैं इस हवाले से? इसका यही है कि इसके अंदर आप जब इंटर हो जाओगे तो ये 8 पोर्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है, 8 डिपार्टमेंट्स के 8 पोर्शन में इसको जो चीजें हैं वो डिस्प्ले की हुई है। बिल्कुल, इसमें ये सिर्फ चित्राल के हद तक ये महदूद नहीं है ये म्यूजियम, ये गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की जो सकाफत है उस दोनों की सकाफत को इसने प्रिजर्व किया हुआ है,
इसमें गिलगित बल्तिस्तान में जो चीज़ें इस्तेमाल होते थे वो भी रखे हुए हैं। अच्छा। चित्राल के जो लोगों के पुराने ज़माने के हमारे आबा अजदाद के जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी है वो भी हमने रखे हुए। इसमें एक गलेरी जो है इसके लिए ये ख़वातीन जो लिबास ज़ेब तन करते थे पुराने ज़मानों में गहने जो हार मार वगैरह जो ज्वेलरी उनकी पुराने ज़माने की होती थी वो एक पोर्शन अलग रखा हुआ है। उसके बाद जो है जो मेल हजरात जो पहाड़ों पे जाते थे या वो शिकार के लिए या कोई औजार वगैरह इस्तेमाल करते थे या जंगों में जो वेपन्स इस्तेमाल होते थे या पुराने ज़माने के जो तलवार वगैरह ये सारी चीज़ें वो पोर्शन अलग रखा हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो हमारे घरों के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी किचन में जो बर्तन वगैरह जो किचन की चीज़ ये पोर्शन अलग रखे हुए इसको। उसके बाद जो है जो खेती बाड़ी के अच्छा हमारे जो क्योंकि वो सारे लोकल हैंडमेड है उधर गांव में ही बनाए हुए हर जगह का अपना अपना अलग वो था खेती बाड़ी की चीज़ें ये अलग एक पोर्शन इनके लिए रखा हुआ है फार्मिंग जो टूल्स जो है। और उसके बाद जो है एक पोर्शन जो है वो पूरा चित्राल का हिस्ट्री जो है उसको टच दिया हुआ है जो ऑथेंटिक रिसर्च जो है चित्राल के हवाले से यूके लाइब्रेरी से हो गए या उसके दूसरे जो ऑथेंटिक सोर्स है उनसे हमने पूरा इसका हिस्ट्री जो है चित्राल में लोगों का आने का और फिर उसके बाद इस्लाम चित्राल में कब आई फिर इस पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ये सारा हिस्ट्री जो है उसी पोर्शन में वो किया हुआ किताबें रखी हुई है नहीं हिस्ट्री का वो बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद लाजपुर वैली का मैप उसका ये जो कितने दर्रे जो है लाजपुर वैली से होके गुजरते हैं ये सारे चीज़ें उसमें लगाए हुए हैं। उसके बाद एक हल्का सा टच जो है वो कैलाश कम्युनिटी को भी हो गया क्योंकि हालांकि कैलाश उसमें अपना एक ज़बरदस्त म्यूजियम है उनका अपना लेकिन हमने उनको भी हल्का सा टच दिया हुआ है एक पोर्शन भी वो भी चित्राल का हिस्सा है वो हमारे से तो इसलिए उनके लिए भी एक जगह छोड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये इसका मुकम्मल हुआ है। और फिर ये है कि दरमियान में मौसीकी की ये चीज़ें जो दरमियान में जो खता वो होता है एक सराय सा जो हमारे पुराने पुराने जो मकान थे जो चित्राल के ज़िलज़िला प्रूफ जो मकान होते चार पांच सुतूनों पे वो होता है उम्मीद होते हैं तो उसको हमने दरमियान में इसका नक्शा वो बनाया हुआ है आर्किटेक्ट ने तो उसके बाद उसके लिए जो पैलेस वगैरह जो कालीन जो चीज़ें हैं जो भी सारे पुराने ज़माने के जो लोकल मेड जो हैंडमेड जो है सारे चीज़ें उसमें वो है तो उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कहा था लाजपुर के ख़ास करके चार इंस्ट्रूमेंट है तो वो चीज़ें दफ हो गए वो ये सारे उसमें रखे हुए हैं सितार अच्छा। उसके बाद जो है इसमें जो इसके लाइटिंग का उसको बनाने का जो वो है नक्शा। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं फिर सर से गुफ्तगु का सिलसिला जारी रखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ुबीना जैसे कि सर ने भी बताया कि जो हमारे हरचीन है या लसपुर वैली है वहाँ का जो मशहूर सॉन्ग जो सर ने बताया कि तन्नानो जान नान गिरो बिल्कुल तो क्यों ना अपने नाज़रीन को भी और सबको सॉन्ग सुनाते हैं हम खुद भी सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद फिर इसके हवाले से भी बात करेंगे और सर से भी गुफ्तगु का सिलसिला जारी रखेंगे। चलते हैं खुश आमदीद कहते हैं। आलिया गाना हम सुन रहे थे शाहिद साहब ने बात की थी एक स्टोरी भी हमें खूबसूरत स्टोरी सुनाई थी दुरान खातून के बारे में ये वही गाना है जो उन्होंने डेडिकेट करके अपने बेटे के लिए बनाया था तो बड़ा अच्छा लगा अपने बेटे के लिए बनाया था बिल्कुल हाँ। आप लोग भी कमेंट सेशन पे हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा गाना। बिल्कुल ज़ुबीना सर की तरफ चलते हैं आप उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। जी सर सर अभी प्रोफेशनल बातें तो हमारी हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारी हो गई तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आपसे पर्सनल सवालात करें अगर आप हम इजाजत दें। बिल्कुल बताए शादी तो आपकी अभी फिलहाल हुई है कि नहीं पता नहीं बताएं आप हमें नाज़रीन को जरा बताएं। आप तो डायरेक्ट पर्सनल हो गए इजाजत चाह रही थी मैं पहले ये सुनने के लिए ना काफी अरस मेरे कान तरस रहे थे आपके घर वाले भी शायद इंतजार कर रहे हैं इस बात का नहीं ये बात सुन सुन के थक गए होंगे कि कर लो फिलहाल कोई वो नहीं है अभी तक मैंने शादी नहीं की। अच्छा 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 इरादा है मतलब न्यू ईयर रिजोल्यूशन में प्यार किए ये बताएं आलिया सुने लसपुर वैली के लोग बहुत ये लव स्टोरीज उनकी काफी कभी प्यार किया है कभी ऐसा हुआ ऐसा कभी होता है ना इंसान है नहीं फिलहाल नहीं सोचा है बाद में देखेंगे
बिल्कुल। इसके अलावा खाने में चित्राली खानों में क्या पसंद करते हैं खाना? चित्राली जो हमारे लोकल डिशेज जो है ना वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, खास करके आप चिरा शपीक हो गया और खिश्त हो गया। अच्छा। खिश्त ज्यादा बनाते हैं आप लोगों के साइड पे? अरे लेगानो भी बनाते हैं। लेगानो भी और उसके साथ दूसरा हमारे वो है, मेरे को कल रात भी मैं लजक खा के आया हूँ। माशाल्लाह, हमें इतना टाइम हो गया। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे जी? हम बात कर रही हूँ डालबंदी से। कहाँ से बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं डालबंदी से बात कर रही हूँ, मुस्कान। अच्छा मुस्कान, कैसी हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम देख रही हैं? जी मैं देख रही हूँ, मुझे अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है देख के? जी बहुत मजा आ रहा है, मस्त लग रही और मैम भी। बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। और अपने घर वालों के साथ देख रही हैं बैठ के? जी जी, हम सब साथ में देख रहे हैं और मेरी कजन साथी आपको सलाम कर रही है। वालेकुम अस्सलाम, हमारी तरफ से भी अपने घर वालों को सलाम दीजिएगा। वालेकुम सलाम। और कुछ बोलना चाह रही हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से? सॉन्ग सुनना है मैं। अच्छा अच्छा, क्या सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी? जो भी आप सुना दे। शाह फारूक का हो सकता है क्या? किन का सॉन्ग? कोई चित्राली सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी तो हम कोशिश करेंगे। जी, जी चित्राली सॉन्ग। चले ठीक है, हम अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम जरूर आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए बिल्कुल लगाएंगे गाना अच्छा सा कोई। ओके, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें इसी तरह कॉल करते रहे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, तो हम सर को तंग करने में लगे हुए। अच्छे सही टाइम पे कॉल किए, आपकी जान छूट गई। बिल्कुल। अभी आलिया, हमारे प्रोग्राम भी अभी खत्म होने का वक्त भी है सर, कोई मैसेज हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं या कि चित्राल के आवाम को कुछ कहना पसंद करेंगे? बिल्कुल, खास करके मेरे टूरिज्म जो हमारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इससे अपील ये है कि अगर सयाहत को प्रमोट करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ चित्राल के जो रास्तों पे तवज्जो दे दें। जो भी वेलीज है, जो भी दर्रा है चित्राल के अंदर, तो उनको प्रमोट करें, उनके जो रास्ते हैं उन पे थोड़ा तवज्जो दे दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो आने जाने के लिए। तो उससे अगर सयाहत का वो तरक्की करेगा तो फिर पूरा जो हमारा सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान का दरमदार जो है वो उस पर सयाहत पे आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो हालात है इसको देख के हम ये नहीं लग रहा कि ये लोगों सयाहत को आगे ले आना चाहते हैं, क्योंकि फेडरल में कोई ऐसा कोई फंक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी के भी तो काफी अभी लास्ट टाइम इश्यूज चल रहे थे हमारे, तो ये गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप काइंडली सयाहत पे तवज्जो दे दे तो ये हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि इससे हमारे सूबा भी वो करेगा, तरक्की करेगा और इलाके में भी खुशहाली आएगी, तो इलाके में खुशहाली आएगी तो पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो ये हमारे अफसर बाला से यही दरख्वास्त है। बाकी ये है कि चित्रालियों से, ख़ास करके चित्राली जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बस अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े रहें, जहाँ भी जाए अपने सकाफ़त को न छोड़े, अपना हमारा जो तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, उसके साथ जुड़े रहे। बेशक आप तरक्की करें, बेशक आप आगे जाएं, अल्लाह पाक आपकी मंजिलें और आसान करे और कामयाबी दे दे, लेकिन कभी भी अपने जो कल्चर है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने सकाफत है उसको अपने मजबूत तरीके से उसको आगे ले आए ताकि लोगों को ये। सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं फिर उसके बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है, कौन कहाँ से बात कर रही है जी? अभी मैं मैसेज से बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसी हैं आप, क्या प्रोग्राम देख रही हैं हमारा? जी अभी मैं आपके प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत ही मजा हो रही है, बस मजा ही आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताए क्या घर वालों के साथ देख रहे हैं? जी अभी हम सारे घर वाले आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और क्या कहना पसंद करेंगी, क्या देखना पसंद करेंगी हमारे प्रोग्राम में? देखो अभी हमारे ज्यादातर बुजुर्ग लोग उर्दू नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। हम ख्वार में भी तो बात कर रहे हैं ना।
नहीं अभी आप लोग ज्यादातर उर्दू में बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके आप लोग खुआर में बात करें। चले आलिया, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा खुआर में बात करें। लेकिन मसला ये ना कि पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं हमें, तो उनको हमारी जबान नहीं समझ आती, लेकिन हम साथ साथ ट्रांसलेट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। बात ये है ना, आप ज्यादातर जो है चित्राल की सकाफत के बारे में बात कर रहे हो, तो चाहिए कि आप लोगों को चाहिए कि ज्यादातर खुआर में बात करें। अच्छा, हम अपने चित्राल की सकाफत को दूसरों तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को दिखाना चाह रहे हैं ना कि हमारा खूबसूरत चित्राल ये है, ये लोग हैं। वो खुआर में हम पूरी बात करेंगे वो कैसे समझेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, मतलब कोशिश करेंगे कि जो ऐसी बात हो जो हम करें उर्दू में या खुआर में, तो साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत शुक्रिया। कि आप जो खुआर गाने लगा और ये कि आप जो पे जो खुआर गाने आते हैं ना, वो आप बुजुर्ग लोग उनको शौक देखने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो आपसे जितना हो सके खुआर गाना लगाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम खुआर फोक म्यूजिक लगाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पुराना जो हमारा म्यूजिक है वो लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमें कॉल्स करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज। आलिया, इतनी शिकायतें आ रही हैं आज खुआर में बात करने की, नेक्स्ट टाइम हम खुआर में बिल्कुल एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमें देख रहे हैं ना, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। हमारा जो रिच कल्चर है, आज हमारे साथ सर मौजूद है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तो डेफिनेटली लोगों तक पहुँचाना ये बात, उन्हें टूरिज्म के हवाले से बात की और हिस्ट्री के हवाले से बात की। जी जी सर, तो हम कोशिश इसी वजह से हम उर्दू में बात करें कि हमारी जो है वो हमारी बातें दूसरों तक पहुँचाए, हमारे कल्चर के बारे में दूसरे लोगों को। बिल्कुल जुबीना, और सर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अपनी सकाफत को प्रिजर्व करने के लिए हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सर ने, इनके वालिद साहब ने जो मेहनत की है, जो इतने साल 30-35 साल कम नहीं होते, और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसा उन्होंने म्यूजियम बनाया जो पूरी पूरे दुनिया से लोग उसको देख रहे हैं, बहुत आसान नहीं है। और आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने, एक तो इस चीज़ के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि चित्राल की सकाफत को प्रिजर्व रखने के लिए आप लोगों ने जितने खिदमात अंजाम दी है, उसके लिए भी आपका और आपके वालिद साहब का बहुत शुक्रिया। पूरे चित्राल के नौजवान आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि नई जो हमारे आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को देखे, हमारे कल्चर जो मतलब टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल, तो उसको देखें। इसके लिए आपकी खिदमत बहुत ज्यादा है आपकी फैमिली के, उसके अलावा शो पे आने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे नाज़रीन को हमें भी अच्छा बताने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला, जो स्टोरीज हमने बचपन में सुनी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं इसके बारे में भी हमें पता चला। तो आपका बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इधर आप आए हमारे शो। शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया है, बहुत मेहरबान, और खास करके K2 चैनल और पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी दिल तो नहीं कर रहा था सर से बातें करते, हम करना मजीद चाह रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारा शो आपको पसंद आ गया होगा। इंशाल्लाह आलिया अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, नए उनवान के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। बिल्कुल इसपा का की लागी मैं इसपा प्रोग्राम वक्त हां से पुरुजित है इंशाल्लाह। अच्छी शो अब सब अंजाम वक्त खूर मेनु गनी सखिदमत हाजिर बोसिकचा खनून सर आया हाय अमुनि शेली है हेरिटेज म्यूजियम लस प्रशक ब्रे पिसा दितान फैमिलियो गानी जिससे का के सुनियतंग गानी हिराबी हो लोली को भूमि और हो प्रोमोट को का स्पसफन होस्ट बेलिक स्पसफन किरदार बेलिक और इंशाल्लाह अच्छी हफ्ते सखिदमत इजाम प्रोग्राम गानी अच्छी हाजिर बोसी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखे, खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।